हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने पिछले टर्म पे हमने क्या समाप्त किया था, डायरेक्शन टॉपिक को समाप्त किया था। आज हमारा नया टॉपिक आ रहा है जिसको हम कहते हैं वर्णमाला, है ना, अल्फाबेट टेस्ट। अब आइए जरा सा तेज़ी से हम इसमें देख लेते हैं कि हमको इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, हमको इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें अल्फाबेट सेक्शन की या वर्णमाला की, किसकी बात करें हम, वर्णमाला की अगर हम आपसे बात करें तो वर्णमाला में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है सही अनुक्रम, सही अनुक्रम, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूजुअल ऑर्डर। अब यूजुअल ऑर्डर में क्या होता है कि वर्णमाला को एक दो तीन करके ऐसे नंबरिंग सीक्वेंस से लिखा जाता है और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और लेफ्ट टू राइट में हमको ये बताना होता है कि हमसे पूछा जाता है किसी भी अक्षर के बारे में, तो हमको उसके पोजिशन को बताना होता है। ठीक, दूसरा हमको पढ़ना है विपरीत अनुक्रम, है ना, क्या पढ़ना है, विपरीत अनुक्रम। अब विपरीत अनुक्रम में क्या होता है कि जो वर्णमाला को ए से जेड तक लिखा जाता है, इसमें जो है वर्णमाला हमारा क्या होता है, ए से जेड तक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जेड से ए तक होता है। क्या होता है, जेड से ए तक वर्णमाला को लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं विपरीत अनुक्रम। ठीक, तीसरा हमारा होता है प्रथम अर्धांश परिवर्तन, प्रथम अर्धांश परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स, है ना। अब ये क्या होता है, तो ये M से लेकर Z तक होता है, मतलब M से शुरू होता है और Z पे समाप्त होता है। जब वर्णमाला को ऐसे लिखा जाए तब पोजीशन क्या होती है, उसको हम यहां पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला हमारा होता है द्वितीय अर्धांश परिवर्तन, द्वितीय अर्धांश परिवर्तन, इसमें क्या होता है, वर्णमाला ए से शुरू होता है और एन पे समाप्त होता है, है ना, ए से शुरू होता है और एन पे समाप्त होता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स, है ना। जब ऐसे वर्णमाला को लिखा जाए और किसी वर्णमाला अक्षर के बारे में पूछे तो हमको बताना होता है कि क्या पोजीशन होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारा, दोनों अर्धांश परिवर्तन, दोनों अर्धांश परिवर्तन, मतलब इसका क्या होता है कि ये M से शुरू होता है और N पे समाप्त होता है, N पे समाप्त होता है ना, इसको हम कहते हैं दोनों अर्धांश परिवर्तन। जब वर्णमाला को ऐसे लिखा जाए तो क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पे सीखने वाले। ठीक, इस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वर्णमाला के टॉपिक हैं जिसको हमको वर्णमाला के पार्ट ए में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा कि वर्णमाला को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ये वर्णमाला का क्या है, पार्ट ए है, है ना। दूसरे पार्ट को डिस्कस हम जब पार्ट ए समाप्त होगा तो वहां पे पार्ट बी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से जरा देखिएगा, अगर हम बात करें कि ऐसे हमको वर्णमाला दी जाए तो एक चीज हमको ये होती है कि वर्णमाला की संख्या, हमको उसका नंबर पोजीशन याद होना चाहिए, है ना, उनके नंबर पोजीशन को याद होना चाहिए। अगर नंबर पोजीशन याद नहीं है तो हमारे लिए समस्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये वर्णमाला लिख दिया, सही अनुक्रम को हम मान लीजिए पढ़ना चाहते, सही अनुक्रम, या हम इसको कहते हैं यूजुअल ऑर्डर, है ना, यूजुअल ऑर्डर, इस चीज को हमको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो वर्णमाला हमारा शुरू होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना। अब देखिए
ये होती है पोजीशन, जैसे हम के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह का से होती है, जिसको हम लिख भी देते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, है ना। अब ये हमको याद होना चाहिए, ठीक। अगर हम याद करने की बात करें तो बहुत सारे ट्रिक से हमको याद कराया जाता है ना, बहुत सारे ट्रिक से हम इसको याद करते हैं। जैसे जैसे एक तो ट्रिक आपका ये है कि हम आपसे कह दें इज्वाइटी, ये एक ट्रिक है ना, कि आप कहेंगे ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, एक ट्रिक आपका ये हो गया, है ना, इज्वाइटी, ठीक। दूसरा क्या है, अगर हमसे एच की बात करें तो ये एच है ना, बताइए अब हम इसको पूरा कर दे, बताइए क्या हो गया, 8 हो गया, तो एच का मान क्या होता है, 8 होता है, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखें तो एच के लिए क्या है, 8 होता है, ठीक। ध्यान दीजिए, ये आपका जी है, इसी को भर दीजिए, जी बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, जी बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पी है ना, पी का इसको उल्टा कर दिए, 6 हो गया और ये एक बढ़ा दिया, क्या हो गया, 16 हो गया, है ना। कपिल शर्मा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कपिल शर्मा में, कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा का नाम क्या है, बिट्टू है, बी का क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक होते हैं जिससे आपको वर्णमाला याद कराई जाती है, लेकिन यकीन मानिए अगर हमसे पूछेंगे कौन सा ट्रिक परफेक्ट है तो हम कहेंगे कोई ट्रिक इसके लिए परफेक्ट नहीं है, सब बेकार है ना, क्यों, क्योंकि हमको सोचना पड़ता। जैसे यहां पे एक ट्रिक और पर्सनल में है जिसको हम कहते हैं सिफ्लोरक्स, है ना, एक ट्रिक और इस समय प्रचलित है, वो है सिफ्लोरक्स, खांसी की दवा, सिफ्लोरक्स, है ना। अब हम कहें 3 6 9 12 15 18 21 और 24, है ना, ये खांसी की दवा आप दे दीजिए, वर्णमाला की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, है ना। ये खांसी की दवा अगर आप दे दें तो वर्णमाला की समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे एज ए टीचर तो हम कहेंगे ये भी तरीका सही नहीं है ना, वर्णमाला हमको याद होनी चाहिए, है ना, हमको वर्णमाला क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर हमको वर्णमाला याद नहीं है तो समस्या है, वर्णमाला हमको ऐसे याद होनी चाहिए कि हमको सोचना ही ना पड़े, है ना, हमको सोचना ही ना पड़े कि वर्णमाला को याद करने के लिए हमको दिमाग पे जोर ही नहीं देना पड़े, हमारी जुबान दे दे आवाज, है ना, क्या कर दे, जुबान दे दे, हमें वर्णमाला के लिए दिमाग में कुछ डालना ही ना पड़े। जैसे जैसे आप एक व्यक्तिगत उदाहरण, एक व्यवहारिक उदाहरण हम आपसे लेते हैं, जैसे हम कहें आपसे कि ये बताइए दोस्तों 8 5 क्या होगा, 8 5, तो आप कहेंगे कि सर 8 5 40। अब जरा सा अभी लो सोचिएगा कि हमने पूछा आपसे 8 5 क्या होगा, तो आप कहेंगे 40, बताइए दिमाग उत्तर दे रहा है कि जबान, तो आप कहेंगे जबान, क्यों, क्योंकि 8 का टेबल या 20 तक का टेबल बचपन में हमने इतना रटा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, 8 5 40 हो गया। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 36 5 या हमसे कहें 55 5 तो दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि 55 को हमने नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ प्रैक्टिस कहाँ तक की है, 20 तक की है, तो 55 में हमको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि 50 5 250 कितना हो जाएगा, 75 275 होगा, बात समझ आई, ऐसे हमको दिमाग में वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कहें कि 9 6, आप कहेंगे 54, है ना, लेकिन हम कहें कि 29 6 तो दिक्कत होने वाली है, क्यों, क्योंकि 29 6 के लिए आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, जुबान आपकी आवाज नहीं दे सकती, ठीक। यही काम हमको वर्णमाला में करना है,
कि हमें वर्णमाला की ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि वर्णमाला अगर कोई हमसे लेटर लेना तो हमें किसी ट्रिक के बारे में सोचना ही ना पड़े, है ना, किसी ट्रिक के बारे में सोचना ही ना पड़े, कोई अक्षर बोले हमारे जुबान से उसका अंक आ जाए, कोई अक्षर बोले और हमारे जुबान से क्या आ जाए, उसका अंक आ जाए, तब तो हमारे लिए क्या है, सही है, नहीं तो समस्या है। बात समझ आई? तो इसके लिए हमको क्या करना है, याद करना है। और याद कभी भी ऐसे आपको नहीं करना है ए बराबर वन, बी बराबर दो, सी बराबर तीन, डी बराबर चार, ई बराबर पाँच, ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे तो प्रेशर आ जाएगा ना, और प्रेशर आ जाएगा तो समस्या होगी, फिर याद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे करना है। जैसे एक दिन के लिए आप कन्वर्टर सीख लगा लीजिए, एक घंटे के लिए लगाइए, अगर एक घंटे अगर आपने कन्वर्टर लगा लिया तो समझिए कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एक घंटे अगर आपने अपने दिमाग में कन्वर्टर लगा लिया आपको दिक्कत, फिर जीवन भर, जीवन भर ये वर्णमाला आपसे कभी भूलेगा नहीं। सिर्फ एक घंटा मेरे हिसाब से वर्णमाला को दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वर्णमाला की नंबरिंग हमको रीजनिंग में कितने टॉपिक में पढ़नी है देखिएगा जरा सा। सबसे पहले तो अल्फाबेट में पढ़ेगा ही, फिर उसके बाद एनालॉगी में पढ़ेगा, है ना, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में पढ़ेगा, फिर उसके बाद सीरीज में पढ़ेगा, सीरीज में भी इससे हमको पाला पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में पड़ेगा, है ना। और जब इतने टॉपिक में हमको पड़ेगा ही, और एक टॉपिक के अगर एक दो दीप सवाल आ गए तो 10 सवाल में अगर हम 10 बार वर्णमाला को सोचेंगे तो दिक्कत होगी। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के पास ये दिमाग आ रहा होगा कि अरे यार क्या जरूरत है याद करने की, ए बी सी डी लिख लेंगे पेज पे, हम वहां पे नंबरिंग ढूंढ के क्वेश्चन को कर लेंगे। आ रहा होगा आप में, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे, कोई जरूरत नहीं है, ये तो बकवास चल रहा है, हम ए बी सी डी लिख लेंगे और लिख के हम अपना काम चला लेंगे। यकीन मानिए तैयारी के शुरुआती स्टेज में हम भी यही काम करते थे। जब पेपर मिलने से पहले प्रवेश पत्र के पिछले पेज पे ए बी सी डी सीधा और ए बी सी डी उल्टा हम उसकी नंबरिंग कर देते थे, ताकि वर्णमाला के जितने भी सवाल आएंगे हम यहाँ से नंबरिंग ढूंढ के कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन देख के नंबरिंग जाके ढूंढना, फिर वापस से नंबरिंग करना, दिक्कत होती थी, है ना, दिक्कत होती थी, ढूंढ के करने में समझ आ जाता था। इसलिए हमको याद करने वाला तरीका ही एब्सोल्यूट लगा। और याद कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक घंटे, एक घंटे। अब आपको क्या कन्वर्टर लगाना है, कन्वर्टर का मतलब क्या है कि अगर आपको अंक दिखे तो उसको अक्षर में चेंज करिए, और अक्षर दिखे तो अंक में। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको ये दिखा मिल गया, आप किस चैनल पे पढ़ रहे हैं, स्टडी 91, है ना। एक दिन आप स्टडी 91 को, स्टडी 91 मत पढ़िए, आप ऐसे लिखिए एस का कितना कोड होता है तो 19। आप यहाँ पे कॉपी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी यूज करिए, देख लीजिए, देख के करिए। पहली बार आपने देखा स्टडी एस का 19, टी का 20, यू का 21, डी का 4, वाई का 25, एस 9 का क्या होता है आई, और ये ए, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। हम ऐसा मानते हैं कि आपने पहली बार में कुछ नहीं किया, ठीक, कुछ याद नहीं हुआ आपको। लेकिन अगर इसी स्टडी 91 को 3 बार 4 बार कन्वर्ट करें तो, या मान लीजिए कि आप कहीं बाहर निकले, जो लोग प्रयागराज में रह रहे हैं बाहर निकले, तो उनको बताइए कि ये चीज कितनी बार दिखी हुई मिलेगी, प्रयागराज उनको दिखेगा। अब प्रयागराज दिखा तो एक दिन आप प्रयागराज को प्रयागराज मत पढ़िए, है ना, भूकंप नहीं आएगा और प्रलय भी नहीं आएगा, प्रयागराज का अस्तित्व तो बना रहेगा। आप देखिए, आप यहां पे जो है प्रयागराज, पी का 16, आर का 18, ए का 1, वाई का 25, ए का 1, जी का 7, 18, 1 और 10 चेंज कर दीजिए। मतलब एक घंटे के लिए जितने आपको अक्षर मिले उनको अंक में बदलिए, जितने भी अंक मिले आप उनको क्या करिए, अक्षर में बदलिए। जैसे आप गाड़ी का नंबर प्लेट दीजिए, जैसे यूपी 70 एफ ई 2139, ये आपको नंबर दिख गया सपोज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यू का 21, पी का 16,
अब 70 क्या होता है, जी 0 70 0 0 तो कुछ नहीं होता, काट दीजिए, ठीक है। एफ का क्या होता है, 6 ई का 5 2 का बी ए सी आई, आप ऐसे चेंज करते रहिए ना, और एक दिन चेंज करेंगे फिर वर्णमाला यकीन मानिए आपको ऐसे याद होगी कि कोई भी अक्षर बोलेगा आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक, बात समझ में आई। तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपके पास पेज के पीछे लिखने वाला भी तरीका है, इजुआइटी और ये सब तमाम सारी ट्रिक भी हैं, लेकिन वहाँ पे हमको देख क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो हमारे लिए क्या होगा, टाइम टेकन होगा, और टाइम टेकन होगा तो इससे कुछ नहीं होगा, 50 के जगह हम 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 50 नहीं कर पाएंगे, हम रीजनिंग में ही सारा समय लगा देंगे, इससे कुछ दिक्कत, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम सवाल पे, है ना, किस सवाल कैसे बनता है। जैसे पहला हमारा है यूजुअल ऑर्डर, है ना, क्या है, यूजुअल ऑर्डर है पहला हमारा। अब आइए इसको हम जरा सा देखते हैं कि इनमें प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, ध्यान से जरा बात को समझिएगा बहुत ही इत्मीनान से, यूजुअल ऑर्डर सही अनुक्रम, हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि चीज़ें आपको अब ऐसे पढ़ रहे हैं कि जीवन में कभी भूलेगा नहीं। अल्फ़ाबेट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, लेकिन यकीन मानिए एक बार यहाँ पढ़ के देखिए, अगर कुछ अलग ना दिखे तो फिर आप पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जो भी आएगा वो आप मत पढ़िएगा, लेकिन एक वीडियो में आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए कि क्या वाकई अदर जगह से कुछ अलग मिल रहा है, या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए, ठीक है। आराम से देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको ऐसा जो आपके काम का होगा, ठीक। पहला तो ये मिल गया नंबरिंग में, ठीक है। देखिए हमने कहा बाएं से आठवें अक्षर, बाएं से आठवें अक्षर, बाएं से आठवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि हम कहें बाएं से आठवां, अब हमको पता है कि इधर होता है क्या लेफ्ट और इधर क्या होता है राइट, ठीक। तो बाएं से आठवां, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवां हो गया, है ना। अब इसके इधर क्या है, राइट है, और इधर क्या है, लेफ्ट है। उसके उधर क्या है, राइट है, उधर क्या है, लेफ्ट है। कह रहा है कि दाएं क्या तीसरा, दाएं का मतलब हम इधर आएंगे तो हम कहेंगे एक दो तीन क्या हो गया, के हो गया, क्या हो गया, के हो गया। और के का स्थान क्या होता है, तो हम कहें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, हम कहें बाएं से ग्यारह होता है, ठीक। क्या है, बाएं से ग्यारह होता है हमारा के का स्थान, ठीक। आगे देखिएगा, फिर हमने कहा बाएं से आठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, है ना। बाएं से आठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो बाएं से आठवां तो ये हो गया, अब बाएं एक दो तीन, तीसरा क्या हो गया, ई हो गया, तीसरा क्या हो गया, ई हो गया, है ना। और ई का स्थान क्या होता है, तो हम कहें लेफ्ट से एक दो तीन चार और पाँच, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पाँच, ई का स्थान क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से पाँच होता है, है ना। अब ध्यान से जरा देखिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जो हमको कहना, ये आठ है और ये तीन है, और ये आठ है और ये तीन है, यहाँ पे आठ और तीन ग्यारह हुआ है, और यहाँ पे आठ और तीन क्या हुआ है, पाँच हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ऊपर क्या हुआ है, प्लस हुआ है, और नीचे क्या हुआ है, माइनस हुआ है।
क्यू प्लस हुआ क्यू माइनस हुआ, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट है तो प्लस हुआ है और लेफ्ट और लेफ्ट है तो क्या हुआ है माइनस हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट और राइट जब रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा, और लेफ्ट के बाद लेफ्ट जब रहेगा तो क्या होगा माइनस होगा, है ना। लेफ्ट और राइट जब रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा, और लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा माइनस होगा। बस समझ में आई, लेफ्ट और राइट क्या होगा प्लस होगा और लेफ्ट क्या होगा माइनस होगा। ठीक, चलिए बस समझ में आई, इतना क्लियर है। अब हमने आपसे कहा क्या, दूसरी बात कही हमने, कहा ये ब्लैक पे दिख रहा है कि नहीं आपको, ब्लैक पे समस्या हो रही, नहीं दिख रहा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, कोई और कलर ले लेते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, हमने कहा दाएं से 90 अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर है ना, दाएं से 90 अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो दाया का मतलब हम यहां आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इधर आपका होगा राइट और इधर क्या होगा लेफ्ट के बाएं तीसरा, एक दो तीन क्या हो गया ओ हो गया, क्या हो गया ओ हो गया, है ना, क्या हो गया ओ हो गया। और ओ का स्थान राइट से क्या होता है, हम कहें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और बारह, है ना, क्या हो गया राइट से बारह हो गया, है ना, राइट से क्या हो गया बारह हो गया। ठीक, फिर हमने कहा ऐसा है कि दाएं से नौवे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, दाएं से नौवे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, है ना, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे। ठीक है, दाएं से नौवे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, तो दाएं से नौवा ये है और तीसरा एक दो तीन क्या हो गया यू हो गया, और यू का स्थान क्या होता है, तो राइट से एक दो तीन चार पांच और छः, हम कहें राइट से क्या हो गया छः हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो बात हमको कहना है वो आप अपने आप समझ जाने वाले हैं, है ना, क्या ये नौ है और ये तीन है क्या हो गया बारह हो गया, और ये नौ है और ये तीन है क्या हो गया छः हो गया। इसका मतलब नौ प्लस तीन बारह हुआ होगा और नौ माइनस तीन बराबर क्या हुआ होगा छः हुआ होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जब राइट हो और लेफ्ट हो तो क्या होगा प्लस होगा, और राइट और राइट हो तो क्या होगा माइनस होगा। बस समझ में आई, राइट और लेफ्ट होगा तो प्लस होगा और राइट क्या होगा माइनस होगा। बस समझ में आई, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको समझना है और दिमाग में रखना है, क्या कि अगर लेफ्ट और राइट हो तो क्या होगा प्लस होगा, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो क्या होगा माइनस होगा, राइट और लेफ्ट हो तो प्लस होगा और राइट हो तो क्या होगा माइनस होगा। क्लियर, बताइए क्लियर है ना, तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक, इतना ही समझाने का उद्देश्य था जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं, क्या कि लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, राइट और लेफ्ट प्लस, राइट और राइट माइनस। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमने आपको लिखा सही अनुक्रम, और यहां पे प्रश्न कैसे बनता है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सही अनुक्रम, देखिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, जीरो से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाद में हम इसको ऐसे करेंगे कि आप एक लाइन में देखते ही चाहे जितना बड़ा समीकरण हो उसको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को सीख लेंगे तो बड़े ही आराम से आपको करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या कि आपको क्या करना है कि आज क्लास समाप्त होने के बाद कोशिश करें कि एक घंटा आप ट्रांसलेट करें। आप खुद के नाम को कर सकते हैं, अपने किसी परिचय के नाम को कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। कल हम आएंगे तो आपके लिए कुछ शब्द लेकर आएंगे, है ना, क्या लेके आएंगे
कुछ शब्द लेकर आएंगे जिनको आपको ट्रांसलेट करके बताना है किसका ये होने वाला है, ठीक है। तो कुछ शब्द हम लेके आएंगे जिसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है किसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा वर्णमाला, ठीक है। अब ध्यान से जरा देखिएगा, हमने आपसे कहा एक प्रश्न छोटा सा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर, है ना, के दाएं छठे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। हमने आपको ये समीकरण दिया क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं छठे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक। अब इसको लगाने का एक बड़ा ही क्रांतिकारी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही क्रांतिकारी तरीका है जिसको देखिएगा। जैसे वो कह दिया बाएं से आठवां, हम कहेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठवां एच हो गया, है ना, के दाएं चौथा तो हम कहेंगे एक दो तीन चार, ये हो गया। अब यहां से हमने इसको हटा दिया, ठीक, चौथा के बाएं पांचवां, हम कहें एक दो तीन चार पांचवां, ये हो गया। अब हमने यहां से इसको हटा दिया, है ना, यहां पे आ गए के दाएं छठा, एक दो तीन चार पांच छठा क्या हो गया, एम हो गया। अब हमने यहां से इसको हटा दिया, है ना, के दाएं छठा के बाएं चौथा, हम कहे एक दो तीन चौथा, यहां से हमने इसको हटा दिया, है ना, ये हो गया आई, है ना। लेकिन बताइए क्या इस क्रांतिकारी तरीके से आप लगाएंगे, नहीं लगा सकते। फिर से देखिएगा, इस क्रांतिकारी तरीके को समझते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि ये पूरा बेसिक है, ठीक है। कह रहा है बाएं से आठवां अक्षर, हम के एक दो तीन चार पांच छह सात आठवां, है ना, के दाएं चौथा, एक दो तीन चौथा एल हो गया, ठीक, के बाएं पांचवां, एक दो तीन चार पांचवां जी हो गया, के दाएं छठा, एक दो तीन चार पांच छठा क्या हो गया, एम हो गया, के बाएं चौथा, एक दो तीन चौथा क्या हो गया, आई, और आई को हमने आंसर कर दिया। लेकिन ये तरीका टाइम टेकन भी है और क्रांतिकारी भी है, इस तरीके से हम इसको लगा नहीं सकते, ठीक। अब दूसरा तरीका देखिएगा जो अभी हमने सीखा उससे करते हैं, ठीक। अब देखिए, हमको पता है कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, बताइए, प्लस होता है, तो आठ और चार क्या हो गया, बारह हो गया, है ना, आठ और चार क्या हो गया, बारह हो गया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट हो गया, तो देखिए बारह लिख दिया ना। अब बारह किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, आठ और चार जुड़ गया, लेकिन बारह किधर से, लेफ्ट से कि राइट से। तो याद रखिएगा कि जिससे वर्णमाला शुरू हो, एल से शुरू हो तो एल से, अगर राइट है तो राइट से, जैसे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल बारह। जैसे कभी अगर यहां पे ऐसे हो, मान लीजिए अभी आप कह सकते हैं कि L का मान बड़ा है इसलिए हमने L लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कल मान लीजिए हम लिखते हैं L8 और R12, यहां पे भी L और R प्लस होगा, 20 होगा। अब 20, लेकिन अब यहां तो R बड़ा है ना, तो R नहीं होगा, जिससे शुरू हो L से 20 शुरू, है ना, तो L क्या होगा, 20 होगा,
बात समझ में आई। तो जिससे शुरू हो, अगर L होता तो L, अगर R होता तो R ही हम लिखेंगे, ठीक है। जिससे शुरू हो लास्ट तक कैरी करता है, ठीक। L 12 हो गया, बाकी चीजों को हम वैसे ही उतार देते हैं। L 5, R 6, L 4, है ना। अब देखिए ये L और L हो गया ना, ये L और L हो गया ना, तो L और L हमको पता है क्या होता है, माइनस, है ना। अब ये क्या हो गया बताइए, L7 हो गया, क्या हो गया, L7 हो गया, L7, R6, L4, है ना। अब देखिए L7 और R7, R6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L13, है ना, L13 और L13 और L4, अब क्या हो जाएगा, माइनस L9, और L9 क्या होगा, आ गया आंसर। बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा और हमारा आंसर आ गया क्या, L9, और L9 क्या होता है, I होता है, ठीक। लेकिन ये भी तरीका सही नहीं है, आंसर तो आ गया लेकिन ये भी तरीका सही नहीं है। अब जरा देखिएगा किसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, तरीका टाइम टेकन है, ठीक है। जिससे समीकरण शुरू हो उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, L से शुरू है ना, तो L को हमने क्या किया, लास्ट में लिख दिया, ठीक। L से शुरू है तो L को हमने क्या लिख दिया, या आप इसको हम ऐसे छोटा कर लेते हैं, अलग लिख देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे, ठीक है ना। इसको हम और इधर कर देते हैं साइड में, हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं फिर से, इसको क्या है ये बताइएगा, L8 R 4 L 5 R 6 और L 4, यही है। फिर दिक्कत हो आप फंसेगा ना, चलिए फिर से लिख लेते हैं, नीचे लिखते हैं ताकि दिक्कत ना, ठीक है। क्या है ये बताइए, L8 R4 L5 R6 L4, ठीक। ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक। हमने कहा कि जिससे समीकरण शुरू हो ना उसी को आप लास्ट में लिख सकते हैं, है ना। तो आप L से शुरू है तो आपने लिख दिया क्या, L, है ना। L से शुरू है तो आपने क्या लिख दिया, L। अब ध्यान रखिए कि जहां जहां आपको पता है कि L और R क्या होता है, प्लस, L और L क्या होता है, माइनस, है ना। क्योंकि L से शुरू तो हम इतना ही लिखते हैं, L और R क्या होता है, प्लस, और L और L क्या होता है, माइनस। तो जहां जहां R दिखेगा वहां आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, जहां जहां R दिखेगा वहां आप प्लस का सिंबल लिखाएंगे, और जहां जहां L दिखेगा वहां माइनस का। जैसे L और R प्लस, तो R पे प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस और L पे माइनस। क्यों, क्योंकि L और R प्लस होता है ना, तो जहां जहां R दिखेगा वहां क्या होगा, प्लस होगा, और जहां जहां L दिखेगा वहां क्या होगा, माइनस होगा। तो R पे प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस और L पे माइनस। अब वर्णमाला को भूल जाइए और सिर्फ नंबर पे कॉन्सेंट्रेट रहिए, ठीक है। जैसे 8 और 4 12, 12 में से 5 गया 7, 7 और 6 13, और 13 में से 4 गया 9, L9, और L9 क्या होगा, I होगा, आ गया आंसर। एक लाइन में हमने इसको सॉल्व कर दिया, बस समझ में आई। ध्यान से देखिएगा कि जिससे वर्णमाला शुरू उसको आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। जैसे L से शुरू है तो L को लास्ट में लिख दिया आपने, R से शुरू है तो R को लास्ट में लिख दिया। उसके बाद क्या होगा कि जहां जहां R दिखेगा वहां क्या होगा, प्लस होगा, और जहां जहां L दिखेगा वहां क्या होगा, माइनस होगा। तो R दिखा प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस और L पे माइनस। अब देखिए अंक को लेना है, अक्षर को छोड़ देना है, 8 4 12, 12 में से 5 गया 7, 7 और 6 13, 13 में से 4 गया 9, और L9 क्या होगा, I, ठीक। अब ये तो हमने बता दिया, अब यहां से आपके दिमाग में आएगा डाउट, क्या आएगा, डाउट आएगा, और वो डाउट क्या होगा कि सर
अभी तो आपने बताया कि L और R प्लस होता है और L और L क्या होता है, माइनस होता है। ये आपने अभी बताया हमको कि L और R क्या होता है, प्लस होता है और L और L क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि L और R पे आपने प्लस कर दिया, हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये R और L पे माइनस क्यों किया? क्योंकि आपने बताया कि R L क्या होता है, R L क्या होता है, प्लस होता है और R क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे भी देखिए L और R पे आपने प्लस लगाया है लेकिन फिर R और L पे आपने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। ये डाउट आपके दिमाग में आया होगा या आना चाहिए, या नहीं आया होगा तो हम ला दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है कि हमने ऐसा किया, ठीक है। हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या कारण है कि हमने ऐसा किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब समीकरण जिससे शुरू, जैसे यहां पे L शुरू है ना, तो ये L क्या करेगा, सबके साथ कैरी करेगा, सबके सर पे रहेगा, सबके साथ क्या करेगा, कैरी करेगा, है ना। जैसे ये R है तो ये L8 के R है, लेकिन जो L5 है यह R4 के, जैसे ये नहीं होता, ये पार्ट अगर ना होता तो यहां पे प्लस लगता, लेकिन जो ये L5 है ना वो R4 के L5 नहीं है, ये इनको जोड़ने के बाद जो L का मान आएगा उसके L5 है। मतलब 8 और 4 जोड़ दिया है ना, 8 और 4 जोड़ दिया कितना हो गया 12। अब ये L 12 के L5 है तो L और L क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर समीकरण जिससे शुरू हो ना वो सबके साथ कैरी करता है, मतलब L शुरू है तो L सबके साथ है। देखिए L और R है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, L और L है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, L और R है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और L और L है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे R होता तो फिर R और R सबके साथ कैरी करता है, है ना। तो यहां पे क्या होता, माइनस, यहां पे होता प्लस, यहां पे होता माइनस और यहां पे होता प्लस, क्यों, क्योंकि आर आर प्लस आर आर माइनस आर आर प्लस आर आर माइनस आर आर प्लस। बस समझ में आई? तो कहने का मतलब आर होता तब आर पे क्या होता, माइनस होता, और एल पे क्या होता, प्लस होता, एल है तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर? तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं और हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो आसानी से हम इन प्रश्नों को अब हल कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे समीकरण जिससे शुरू हो, L से शुरू हो, तो हम लास्ट में L लिख दिया। अब जहाँ जहाँ R दिखे वहाँ प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस और L पे माइनस। आठ चार क्या हो गया, 12, 12 में से 5 गया 7, 7 और 6 13, 13 में से 4 गया 9, L9, और L9 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठे, के दाएं दसवें, के बाएं चौथे, के दाएं पांचवें, के बाएं सातवें, के दाएं ग्यारहवां अक्षर कौन सा होगा, हमसे ये बात पूछा गया है ना। सभी लोग जरा आंसर देंगे, आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से हम इसको करेंगे। पहला तरीका L और R क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। जब ये प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, ये L16, L4, R5, L7, R11, ठीक। अब L और L है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, L12, R5, L7, R11। L और R क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, L17, L7, R11। अब L और L क्या हो जाएगा, माइनस, L10, R11 क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, L21, और L21 क्या होगा, U होगा, है ना। ये तरीका है एक, लेकिन हमको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। दूसरा तरीका देखिए क्या है,
L से शुरू है ना, बताइए L से शुरू है ना, हमने L लास्ट में लिख दिया। अब देखिए R पे प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस, L पे माइनस और R पे प्लस हमने लिख दिया है ना। अब अक्षर को छोड़ देना है, अंक को लेना है, 10 और 6, 6 और 10 16, 16 में से 4 गया 12, 12 प्लस 5 17, 17 में से 7 गया 10, और 10 और 11 क्या हो जाएगा 21, और 21 क्या होगा U होगा। आ गया आसानी से, बताइए आ गया ना। तो इसके लिए हमारा आंसर यहां भी U आया और यहां भी U आया है ना, यहां पे भी U आया और यहां पे भी क्या आया U आया, लेकिन दोनों में से कौन सा रूल बेटर है आप बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा कम समय ले रहा है और कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दसवें अक्षर के बाएं ग्यारहवें अक्षर के दाएं बारहवें अक्षर के बाएं आठवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा है ना, के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, इसका हमको आंसर करना है ना, इसका हमको आंसर करना है। अब देखिए जरा सा, तो हमने आपको बताया है कि इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका L और R है, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा L 15, L 11, R 12, L 8 और R 6 हुआ ये है ना। तो अब देखिए 15 और 11 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि L और L है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L 4, R 12, L 8 और R 7। ठीक, L और R क्या हो जाएगा बताइए, बताइए L और R क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L 20, L 8, R 7। अब L और L क्या हो जाएगा बताइए माइनस, L 12 और R 7, अब क्या हो जाएगा प्लस, और L 19, और L 19 क्या होता है S होता है ना, L 19 क्या होता है S होता है। लेकिन ये तरीका क्या है कि इसको हम लोग चार या पांच स्टेप में कर रहे हैं है ना, और चार पांच स्टेप करने में हमें क्या लगता है समय लगता है। ठीक, तो देखिए इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, चूंकि ये L से शुरू है तो हम क्या करेंगे L को लास्ट में लिख देंगे, L से शुरू है तो L को हम क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए R पे प्लस, L पे माइनस, R पे प्लस, L पे माइनस और R पे प्लस हो गया है ना, क्या हो जाएगा 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15 में से 11 गया बताइए 4, 4 और 12 16, 16 में से 8 गया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा ये 15 है ना, यहाँ पे 15 कर लीजिए सॉरी, नहीं ठीक तो है, देखिए 5 और 10 15, 15 में से 11 गया बताइए 4, 4 और 12 16, यहाँ पे देखिए गलती हुई है, ये गलती हुई है ठीक है ना, R 12 की जगह हमने R 16 लिख लिया है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे 16 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे R 16 किया आपने, आंसर मैच होना चाहिए। ठीक 16 कर लिया, अब देखिए 5 और 1 10 15, 15 में से 11 गया 4, 4 और 16 20, 20 में से 8 गया 12, 12 और 7 क्या हो जाएगा 19, और L 19 क्या हो जाएगा S हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। अब दोनों S आया है, लेकिन आंसर क्या सही है, कौन सा तरीका सही है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये तो आज हमने डिस्कस किया कि अल्फाबेट के कुल बेसिक क्या होते हैं, क्वेश्चंस को नहीं हमने हल्का सा समझा है, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और कल आपके लिए पहला काम क्या है कि आपको अक्षरों को याद करके आना है, ठीक, नहीं तो हम बोर्ड पे आपको कुछ अक्षर लेके आएंगे जिनको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि क्या होगा,
ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।